हेलो। तो जैसा कि आपने कल वाली वीडियो में देखा था, हम लोग लास्ट में जब बाहर निकले तो आंधी आ गई थी, और आंधी से बचने के लिए हमने थोड़ा वेट किया तो फिर बारिश हो गई। बारिश तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की बारिश थी, बट बहुत अच्छा मौसम हो गया था। मन कर रहा था कि ड्राइव ना की जाए और बस पैदल चला जाए या फिर पैदल जाके कहीं बैठ जाए, तो ये चीज़ थी। और सफारी में आपको मैं बता दूँ, सफारी में 2.5 अगर आप कंटिन्यू ड्राइव करके घूमोगे तो आपको 2.5 आवर लगता है, और अगर आप थोड़ा ब्रेक लेंगे हाफ आवर का तो आपको 3 आवर्स लग जाते हैं। तो हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया था इसलिए हम 2.5 आवर में कंप्लीट आ गए थे। बट हम बैठे बैठे इतना ज़्यादा थक गए थे, तो हमें लग रहा था बस किसी तरीके से हम रूम पे पहुंच जाएं और हम लोग रेस्ट करें। और ये देखिए सामने आपको रेनबो के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप भी देख लें। और ये भी मिरर के अंदर से है, गाड़ी के अंदर से है, तो आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट बाहर से ये एकदम क्लियर दिख रहा था और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दिया जाए। और आज हम वैसे ही इतना थक गए थे, और ऊपर से रूम हम सर्च कर रहे थे और रूम सारे फुल थे, एक भी हमें वैकेंट नहीं मिल रहा था। तो हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, हर जगह पूछ पूछ के कि भैया यहाँ पे यहाँ पे, ऑनलाइन भी सब हाउसफुल दिखा रहे थे, और जो हमें चाहिए था जिस एरिया में चाहिए था वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो बड़ी मतलब बहुत परेशान हो गए हम लोग। लास्ट में जाके हमें एक रूम मिला तो हमने कहा चलो इसी में रुक जाते हैं। और ये देखिए एम्स हॉस्पिटल मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, तो मैंने सोचा आपको भी ये दिखा दिया जाए, क्योंकि मैं जो चीज़ें फ़र्स्ट टाइम देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ही इसे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये मेरा डाउट ही है। बहुत लोगों ने देखा होगा, पर कोई बात नहीं, आप फिर से देख लीजिए एक बार। फाइनली हम लोग 5:30 बजे फ्री हो गए थे और 8 बजे जाके हमें रूम मिला है। हम बिल्कुल भी फ्री, मतलब रूम ही फ्री नहीं थे, एक भी सारे फूल हो रखे थे। तो ये है हमारा रूम जिसमें जिसमें माज रुके हैं, ये मैं और मुझे सबसे ज़्यादा वॉशरूम बहुत पसंद होते हैं, तो मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि वॉशरूम कैसा है। हाँ ये ठीक है, और ये गब 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 शुरू हो गया गब, बस इसका काम यही है। एसी का रिमोट पकड़ लिया, थोड़ी देर बाद में वो भी आ जाएगा, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना सामने रखा हुआ, समझ गए हो ना आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, बस वो आ जाएगा इसके हाथ में थोड़ी देर में और शुरू हो जाएगा। तो अभी 2 मिनट नहीं हुई है और ये शुरू हो गया। तो आज हम इतना ज़्यादा थक गए ना, और मुंह पे इतनी मिट्टी, पूरे बॉडी पे लग रहा है ऐसे मिट्टी मिट्टी, हम पूरा खाने में मिट्टी खा रहे हैं, सब चीज़ मिट्टी मिट्टी हो रखे हैं। तो अभी हम लोग फ्रेश होके आते हैं, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो सब सब फ्रेश हो गए, नहा लिया तूने? नहाया कि नहीं? नहीं नहाया? हाय राम, सच में नहीं नहाया है? हाय राम, इतनी ठंडी, और तब तो थोड़ी चिप चिप आ रही हूँ। तूने नहाया? तूने तो नहाया है, भैया ने भी नहाया है, सीनू ने भी नहाया है, और गर्वित ने भी नहाया है। ये गर्वित, गर्वित हीरो। तो ये हमारा खाना लग गया है और हम खा रहे हैं खाना। कैसा रहा आज का दिन? कैसा रहा? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, और हम बहुत थक गए हैं। तो अभी हम खाना खाते हैं और फिर सीधा सोने जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे करो, एक बार दोबारा तो कर आइडिया। बोतल से बटन ऑन करो ना, बोतल पे खड़े थोड़ी होते हैं। बैठ ना, देख एक दिन ब्रश नहीं करेंगे ना कुछ नहीं हो जाएगा। अरे पेस्ट है यार। देखो भाई हम ना अपना ब्रश का कोटा साथ में लेके आते हैं, खरीदना ना पड़े। हमारा ब्रश तो रखा है और पेस्ट भी रखा हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग।
तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और ना जब हमने चलने के लिए बोला गंगा स्नान के लिए तब ये लोग नहीं गए और अभी ये आ रहे हैं कि चलो गंगा स्नान। गुड मॉर्निंग, मैं वो तेरे कारस्तानी बताने आई थी सीनू सुबह सुबह, तेरी तारीफ कर रही थी। जब तेरा गुस्सा आता है तो क्या करता है? होटल में क्या करता है? तो गुस्सा आता है तो चीजें फोड़ देता है, फिर बीवी उसको सही करती है। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, ये भी रेडी हो गए, मेरा सर तो ले ले पूरा यार पूरा सर। ओके तो फाइनली हम भी रेडी हो गए हैं, मैं रेडी हो गई, गबा भी रेडी हो गया है, ये देखो गा। तो ये है हम, ये देखिए मैं भी अच्छी लग रही हूँ। टूटा था कुछ भी नहीं टूटा है भाई, इनका जो एक काम करने वाला जो है होटल में वो बोलता है कि नल का शावर है ना वो हमने तोड़, शावर नहीं सॉरी टैप है ना वो तोड़ दिया है, अब इतना ड्रामा करा दिया, बोलता है दोनों रूम भी टूटे हैं, 208 और 209 दोनों रूम भी टूटे हुए हैं, कुछ नहीं टूटा और कुछ भी नहीं टूटा हुआ और फालतू का ड्रामा बना रहे, क्या मतलब पैसे ले लो जबरदस्ती के पैसे लो, ये ड्रामा कर रखा है इन होटलों में। हरिद्वार में भैया ये हम सियाराम है, सियाराम होटल में रुके हुए थे और जान बूझ के ये ड्रामा किया गया है कि भाई हर जगह से पैसे ले लो, हर जगह से पैसे ले लो, एक कमी नहीं छोड़ रखी इन्होंने पैसे लेने में। मतलब हम भैया एक बार हम ना पहली बार नहा रहे हैं आपके होटल में, हम पहली बार रुके हैं और पहली बार नहा रहे हैं, आज तक हमने कहीं नहीं नहाया, वो निकला हुआ था ना। मैं बोल रही ना आज तक हमने कहीं नहीं नहाया, हम पहली बार नहा रहे हैं और हमें आता ही नहीं है नहाना, हम तो ये जो हरिद्वार है ना हम तो वहाँ पे भी पहली बार जा रहे हैं, हम कभी नहाए नहीं है, आपको ज्यादा पता है खराब। कहीं भी रुको ना तो ये हाल होता है, जहाँ पे भी रुकने जाओ तो कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि आपको गुस्सा आता है बहुत तेज, तो मुझे भी यही गुस्सा आ रहा है कि मतलब हम लोगों ने कभी जिंदगी में नहाया ही नहीं है, हमारे घर में कुछ है ही नहीं नहाने के लिए, तो ये हमें बताएंगे कि हमें कैसे नहाना है, टैप टूटा हुआ है कि नहीं, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मैं बस चलता मैं मुंह फोड़ देती आज। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं, अब कहाँ निकले हैं ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा सारा प्लान लेट होता जा रहा है और लेट हो गया, आधा से ज्यादा घंटा हमारा उन लोगों ने खा लिया और अब पता नहीं क्या करने वाले हैं हम लोग। चलो देखते हैं क्या करते हैं, फिर जैसा जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। तो फाइनली हम लोग ढाबे पे उतर गए हैं और सोच रहे थोड़ा पेट पूजा कर ले, और अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे ना तो ध्यान रखिए कि एक घंटा जैसे 7 बजे आपका प्लान है निकलने का तो 6 बजे निकले, एक घंटा मतलब आपके ट्रैफिक में वेस्ट होने ही होने और इसकी वजह से आपके प्लान है ना वो चेंजेस हो जाते हैं, तो हमारा भी यही हुआ है कि हम लोग एक घंटा लेट हो गए तो हमारे प्लान चेंज है, तो अभी हम कुछ खा लेते हैं और फिर उसके बाद हम जा रहे हैं क्रिस्टल पार्क। आलू पराठा ले लिया, इनको देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ बैठे हुए, ये झूले के बजे लिए जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं ये मैं पूछती हूँ। कहाँ क्या कर रहे हो? मेरे एक ही नाम शर्मा जी से बात कर रहा हूँ मैं, शर्मा जी आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी वीडियो शूट हो रहा है ठीक है, तो ये भी आ जाएगा वीडियो में। हाँ कि शर्मा जी से बात हो रही है करके, तो ये शर्मा जी से बात कर रहे हैं और मैं झूला झूल रही हूँ इनके साथ बैठ के, तो क्या होगा पूरी दुनिया देखती है, तो दुनिया देखते तो फिर बढ़ते क्यों नहीं है सब्सक्राइबर। तो हमारा खाना वाना हो गया है, अब हम निकल रहे हैं क्रिस्टल वर्ल्ड के लिए, और भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ऋषिकेश में, हरिद्वार में यार ऋषिकेश भूल जा रही, हरिद्वार में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा।
ड्रेस तो मिलेगी यहाँ पे, इतने कपड़े के आगे क्यों ले जाने फिर? हाँ तो क्यों मिलती है, तो कॉस्ट्यूम होता ना इनका, इतना क्रिस्टल एस में आया है। 3 फीट का अगर छोटा होता तो ये फ्री हो जाता। अच्छा, पर ये ग्रोथ ज्यादा है तो इसको टिकट लग गया है। 3 फीट से कम के बच्चों को टिकट फ्री होता है, बट इसको लग गया है। गाइस ये पहन लो हाथ में। अरे पहन लो बैंड, ये बैंड मिले हैं और ये क्या है, म्यूजियम का, ये कुछ म्यूजियम के टिकट मिले हैं, कुछ खाने के वाउचर्स मिले हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को मम्मा का है देखो। अरे यार नहीं दीदी, अब कहीं नहीं, घर भी थक गया बहुत, घर भी थक गया शनि बहुत। मैं 5 साल बाद जा रही हूँ झूले में, तुम्हें पता होगा, पीछे 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 तो जाते हैं। बाय शिवानी। कैसा लगा भाई? सगल से अलग अलग लग रहा था, पर मुझे सबके भाई वाले देखा।